तो दोस्तों पिछले भाग में हमने देखा कि गिली गिली ध्रुव से बचकर निकल जाता है, जिसके बाद वहाँ पर पुलिस के साथ जोनाथन स्टोन नाम का एक शख्स आता है जो अपने आप को जेकब का बेटा बताता है, जिसके बाद वो ध्रुव से जुपिटर सर्कस की सारी संपत्ति पर हक छोड़ने को कहता है और उससे कुछ पेपर साइन करवाता है। ये सब होने के बाद ध्रुव को उस पर शक होने लगता है कि तभी रीचा का कॉल ध्रुव को आता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कहानी में आगे क्या होता है। ध्रुव, कहाँ हो तुम? जल्दी अस्पताल पहुँचो, आंटी को अभी अभी अस्पताल लाए हैं, एक्सीडेंट हो गया है उनका। हेलो हेलो, तुम सुन रहे हो ना? हेलो, मम्मी का एक्सीडेंट, ये संयोग नहीं हो सकता। और फिर डॉकयार्ड पर चंडिका का आना कैसे संभव है जबकि श्वेता अभी बेड से उठ भी नहीं सकती? तो वह चंडिका बनी लड़की थी कौन? यह मैं कहाँ हूँ? और तुम कौन हो? कमाल है, तुम मुझे नहीं पहचानती? मैं चंडिका हूँ, ध्रुव की दोस्त, तुम तो जानती हो मुझे। सवाल यह है कि तुम कौन हो? ध्रुव की दोस्त या दुश्मन से भी बदतर दोस्त, याद करो, तू चंडिका नहीं हो सकती, अच्छी तरह जानती हूँ मैं उसे। तो उसका कोई सेकंड हैंड एडिशन है? मैं तो ध्रुव की मदद करने वहाँ गई थी, पर तेरा क्या मकसद है? तू खुद बता कि तू कौन है। जवाब दे चुकी हूँ मैं। वैसे तुम ध्रुव की मदद करने ही आई थी ताकि वो हार ना जाए, उसके हारने से तुम्हें कुछ नुकसान होना तय था शायद। तुम गिली गिली को पहले से जानती थी, उल्लू को भी जानती थी, और यह भी जानती थी कि वे हंटर्स हैं, और हंटर्स का जीतना मतलब तुम्हारा हारना है। सच है ना? काफी जानती हो तुम। फिर यह तो जरूर जानती होगी कि मैं रोबो की बेटी हूँ, रोबो की लेजर आई जैसी लेजर रिंग पहनती हूँ, और सच है कि रोबो आर्मी हंटर्स के बारे में जानती है। हाँ, कभी हमारी मुलाकात नहीं हुई, पर इस मुलाकात को बेकार नहीं जाने दूंगी, तुम्हारा तो मैं पूरा अता पता लेकर ही जाऊंगी। देखू तो कि यह गिद्ध की आंख वाली चंडिका आखिर है कौन। तुम जिंदगी में पहली बार असफल हुए हो गिली गिली, मानता हूँ, पर मुझे अधूरी जानकारी दी गई थी। किसी ने मुझे यह नहीं बताया कि ध्रुव को पासा ने ट्रेन किया है, हम जानते हैं, पर वह ट्रेनिंग नहीं, सिर्फ 3-4 सेशंस थे, बताने लायक बात नहीं थी, उतने में कोई कुछ नहीं सीख सकता। आप क्या जानो कि उसने मुझे क्या क्या दिखाया है? उसने जो भी सीखा है भूला नहीं है, लेकिन मैं फिर भी उससे निपट सकता हूँ, कंटेनर का नंबर भी जान सकता हूँ। अगर वह चंडिका बीच में न आती तो। वह जानती थी कि मुझे दुनिया में सिर्फ एक ही चीज से एलर्जी है, दुर्लभ सलग्रही पेड़ की जड़ से। वह यह बात कैसे जानती थी? यह बात तू महंत महाराज को जरूर बताना, शायद वे तेरी जान बख्श दे। घंटे भर में हम वहाँ पहुँच जाएंगे, फिर तुझे या वैद्यराज देखेंगे या मौत। रुक जा और मत दौड़, बस अब। ओह, और नहीं, ये कैसी बलि है? कौन सा तरीका है ये? मैंने कहा ना, बस क्षमा कर, तू नया है ना, वक्र कुमार सबको बराबर का मौका देते हैं। ये कौन सा बराबरी का मौका है? कवच पहने शिकारी सांड के आगे एक निहत्ता युवक। हाँ तो सांड को बराबरी का मौका दिया जा रहा है ना, और वक्र को निहत्था मत समझो। उसे महंत महाराज ने 2 साल की उम्र से ही तपाना शुरू कर दिया था, उसे जो ट्रेनिंग दी गई है वह बस पूछो नहीं, साक्षात मौत सामने टिक पाए तो टिक पाए, वरना पशु इंसान के बस की बात तो है ही नहीं। अब बलि संपन्न हुई। तू ठीक है ना वक्र? घाव गहरा है। हाँ बाबा, गहरा तो है, लेकिन वैद्य बाबा की कृपा से घाव कुछ ही पलों में भर जाएगा। लो बाबा, माँ भी आ गई है मंदिर से पूजा करके। रहा नहीं गया, तुम बाप बेटे ने बेजुबान जानवर की बलि दे ही डाली, कब बंद करोगे इस क्रूर प्रथा को? अब आरती लेकर कुछ तो पाप कम करो अपने। और सुन लो, बचपन से ही मेरे लाख रोकने के बाद तुमने बेटे को अपने जैसा तो बना लिया, पर आज के बाद यहाँ कभी बलि नहीं दी जाएगी। बोलो शिव शिव शिव। तेरी माँ तेरे युद्ध कला सीखने के खिलाफ कतई नहीं है, डरती है शायद कि बेटे को खो दूंगी। हाँ, और बार बार हेलीकॉप्टर लेकर दूर पहाड़ी मंदिर जाने की क्या जरूरत है उन्हें? हेलीकॉप्टर के बगैर कितना काम अटक जाता है, यहीं कहीं पास के मंदिर में चली जाया करे। वह आस्था की बात है बेटे, और वह मंदिर अपने बेटे की रक्षा के लिए ही तो जाती है। मठेश, जय हो, आपके लिए फोन है यूक्रेन से, आपका काम हो जाएगा जनरल। कब हो जाएगा? जब यहाँ की सरकार हमें ढूंढ कर कुत्ते की मौत मार देगी। भूलना मत, हंटर्स हमारी गुप्त दुनिया का हर एक आदमी जानता है कि यह कॉन्ट्रैक्ट हंटर्स का है, कॉन्ट्रैक्ट पूरा करो या हंटर्स खुद शिकार होने के लिए तैयार रहे। हमारी दुनिया में सब मिलता है सिवाय माफी के। आपका काम 2 दिनों में हो जाएगा, हम इस बार टॉप हंटर्स को भेजेंगे। दुनिया में निगरानी वाले यंत्र बहुत तरक्की कर गए हैं, बगैर लुप्त एलियन के बारे में पूरी जानकारी जुटाए कोई भी काम करना मुश्किल हो रहा है। दीवान से बात करवाओ, वह उस फॉर्मूला तक पहुंचा या नहीं? अब तो वह गिली गिली की मदद ले रहा है, सफल हुआ ही होगा। मठेश, उस फॉर्मूला का एकमात्र सूत्र वह कंटेनर है, पर गिली गिली ध्रुव का सामना करने के बावजूद उसके दिमाग में उस कंटेनर का नंबर नहीं निकलवा पाया। अभी तो वह बात करने की हालत में भी नहीं है,
हुआ यह है कि दीवान बताता गया और मठेश की तैयारियां चढ़ने लगी। भीतर घात हो रहा है हमारे साथ, कोई हमारे शिकारों को अलर्ट भेज रहा है, पता करना होगा उसका। लेकिन उससे पहले हमें कंटेनर का पता चाहिए जो अब तक रहस्य बना हुआ है। रहस्य खुल चुका है, कंटेनर का पता मिल चुका है। मिल गया, पर कैसे? मेरा अपना प्लान अलग चल रहा था बाबा, और अब मैं खुद जाऊंगा उस कंटेनर को लेने। समय कम है, हम किसी और ऑपरेटिव पर भरोसा नहीं कर सकते। पर तुम्हें कंटेनर का पता चला कैसे? जबान जवाब नहीं देती, दिमाग देता है। उस पर जरा सा जोर डालो तो दबे संतरे के रस की तरह सारी जानकारी फुहार बनकर बाहर आ जाती है। ध्रुव के दिमाग पर जोर डाला मैंने। मैंने ही दीवान को मैसेज भेजा था कि गिलगिली को ध्रुव का सामना करने के लिए भेजे। मुझे पता था उल्लूक और फिर गिलगिली से टकराने के बाद ध्रुव खतरे की तीव्रता को भाप जाएगा और कंटेनर जहाँ पर भी होगा उसकी सुरक्षा का इंतजाम जरूर करेगा। और वर्तमान परिस्थिति में वह सुरक्षा केवल कमांडो फोर्स के जरिए ही हो सकती है। कमांडो फोर्स पर मेरी नजर गड़ी थी और मेरी जानकारी के अनुसार वे इस वक्त मॉरिशियस से राजनगर आने वाले कंटेनर शिप अलज जीरा की तरफ बढ़ रहे हैं। अब कंटेनर और उसके अंदर की हर एक चीज हंटर्स की है। अच्छा हुआ तुम आ गए, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। तुमसे मिलने बाद में रिचा, पहले मुझे मम्मी को देखना है। वे ठीक तो है? हाँ, आंटी मंदिर गई थी, आते वक्त एक्सीडेंट हुआ है। पुलिस के अनुसार खानपुर मोड़ के पास हाईवे पर हुई थी दुर्घटना। वह तो अच्छा हुआ कि वह एसयूवी में थी। खानपुर मोड़? एसयूवी कौन सी, किस रंग की? पता नहीं, वैसे तो मम्मी हमेशा नीली बोलेरो में जाती है, पर नंबर है RN03A2547। हाँ, तुम्हें कैसे पता? क्योंकि शायद मैं जानती हूँ कि यह एक्सीडेंट किसने करवाया है। ब्लैक कैट तुमसे मिलने यहाँ आई थी, पुलिस के कारण रुकी नहीं। क्या हुआ मम्मी को? अच्छा किया आपने मुझे बुला लिया। हमने तुम्हें रजनी की हालत बताने के लिए यहाँ नहीं बुलाया, कुछ और बताने के लिए बुलाया है। एक्सीडेंट से पहले रजनी फोन पर मुझसे बात कर रही थी। गाड़ी में कोई दूसरी औरत भी थी जो रजनी के अनुसार उसे खानपुर मोड़ पर बेहोश मिली थी, और वह तुम्हारी माँ राधा थी। क्या? ड्राइवर से हुई मामूली हाथापाई के दौरान उसकी त्वचा का एक छोटा सा टुकड़ा ड्राइवर के नाखून में रह गया था। उसे मैंने अर्जेंट DNA मैचिंग के लिए भेज दिया है। अब जरूरत है तुम्हारे DNA सैंपल की, जिससे उस DNA को मैच करके संशय की स्थिति को खत्म किया जा सके। रजनी की देखभाल के लिए यहाँ पर मैं और डॉक्टर हैं। तुम DNA सैंपल देकर जा सकते हो। ठीक है कमिश्नर सर, शुक्र है भगवान का कि मम्मी को ज्यादा चोट नहीं आई है। श्वेता कैसी है अब? श्वेता ठीक है, लेकिन हुआ क्या है? कॉल पर भी तुम श्वेता के बारे में पूछ रहे थे, और चंडिका का श्वेता से क्या लेना देना? मुझे अभी रिचा पर श्वेता और चंडिका के संबंध की बात को जाहिर नहीं करना चाहिए। यार्ड पर मैं हंटर्स द्वारा भेजे गए जिस शख्स से लड़ रहा था, चंडिका उसकी कमजोरी जानती थी। अगर चंडिका उसकी कमजोरी जानती है तो वह हंटर्स के बारे में भी जानती होगी, और चंडिका से संपर्क करने का तरीका श्वेता ही बता सकती है। पर श्वेता अभी उठ नहीं सकती, उसे 3 ड्रिप्स लगी हुई है। खैर, तुम ब्लैक कैट के बारे में कुछ कह रही थी। हाँ, ब्लैक कैट तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आई थी। तुम थे नहीं तो मुझे तुम्हें बताने के लिए कह गई। उसने बताया कि रिचा ध्रुव को पूरी बात बताती चली गई, और ध्रुव का दिमाग उड़ता चला गया। मम्मी के हिसाब से वह औरत मेरी माँ राधा थी, और तुम्हारे अनुसार उसके साथ जेकब और किंग थे। मेरे नहीं बल्कि कैट के अनुसार, और वह सिर्फ अंदाजा लग रही थी। तो चलो, DNA सैंपल देकर मैं जेकब अंकल की तलाश में वहीं जाता हूँ। उन्हीं से मिलेंगे सारे जवाब, सिवाय एक जवाब के, कि वह चंडिका हंटर्स का राज कैसे जानती है। बता तू है कौन? बताया ना, चंडिका ध्रुव की दोस्त। ठीक है, तेरा मांस जलाकर मैं खुद तेरा चेहरा देखूंगी। ओह नो, मेरे मांस जलाने का विचार अभी तुम्हें त्यागना होगा। ओह नो, मेरी लेजर पर फॉर्म, मैं पहले तेरी खाल खींचूंगी और फिर तेरा मांस। नताशा रुको, रुक जाओ, मैं हूँ ट्विस्टी। तू क्या कर रही है? बांधा क्यों था मुझे? चेक करना था कि तुम गिलगिली के असर से बाहर आ गई हो या नहीं। तुम्हें गिलगिली से बचा कर लाई हूँ यहाँ पर, ये तुम्हारा ही तो हाइड आउट है। हाँ, मैं ध्रुव की मदद करने गई थी। फिर क्या हुआ? यह तो याद ही है ना कि तुमने वहाँ जाने से पहले मुझसे उस जादूगर की छानबीन करने को कहा था, गिलगिली की डिटेल और कोई कमजोरी ढूंढने को कहा था। तू वही जानकारी लेकर आई थी क्या? अरे 30 साल पुराना डेटा में जाकर न जाने कितने सिक्योरिटी ब्लॉक्स और फायरवॉल के पीछे ये जानकारी मिली, और वह भी थोड़ी सी। बस उसकी एक एलर्जी पता चल पाई, किसी बूटी में थी। किस्मत से वह बूटी भी फटाफट मिल गई। बस फिर मैंने वहाँ पहुँचकर पहले आपको बचाया, और फिर तुझे चंडिका की ड्रेस कहाँ से मिल गई? मैं वहाँ से जड़ी लेने निकल ही रही थी कि तभी मेरे पास अपने राजनगर कोर्ट के कॉन्टैक्ट्स का फोन आया। उन्होंने बताया कि ध्रुव की सारी चल अचल संपत्ति पर दावा ठोक दिया गया है। ध्रुव की संपत्ति सील हो गई है, वो अपने घर तक नहीं जा सकता। मैंने सोचा
कि खबर में सच्चाई कम लगती है, इसलिए मैं वहाँ से सीधे ध्रुव के घर की तरफ चली गई। खबर सही निकली, पर वहाँ पहुँचते ही हाथ लपक की बुरी आदत जाग गई। सोचा आई हूँ तो एक दो यादगार तो ले चलूं। चंडिका की एक ड्रेस वहाँ मिली, पर्स बनी हुई। ड्रेस पता नहीं वहाँ थी क्यों और छिपा कर क्यों रखी थी, बस मैं वही पहन कर आ पहुंची। मजे का मजा हो गया और मेरे राज का राज रह गया। पर उस गिली-गिली का क्या हुआ, ध्रुव बच पाया? ध्रुव को मैंने एक हिंट के साथ जड़ी की डिबिया तो दे दी थी, बच ही गया होगा। पर बेचारा बच भी गया तो जाएगा कहाँ, उसके पास तो ना घर है ना घाट। तो तुम उस बुद्धू ऋचा की बात मानकर यहाँ आ ही गए, काफी करीबी रिश्ता लगता है तुम्हारा उस लड़की के साथ। तुमने कैसे मान लिया कि वह सच बोल रही है? ये तुम्हें फंसाने के लिए दुश्मन की कोई चाल भी हो सकती थी। पर ऋचा की बातों में मुझे सच्चाई लगी, इसलिए मैं यहाँ आया। लेकिन तुम यहाँ क्यों आई हो? मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी ही, क्योंकि उस औरत को सिर्फ मैंने देखा है। जानती हूँ, जंगल के इस भाग के ठीक सामने यानी सड़क के उस पार वही मैदान है जहाँ पर जुपिटर सर्कस का टेंट आखिरी बार लगा था। बस ये जंगल और 2 किलोमीटर अंदर था, अभी ये सड़क के काफी पास आ गया है। वैसे हम सही दिशा में जा रहे हैं ना? क्यों, तुम्हें तो मेरी मदद की जरूरत नहीं थी ना? खैर, गोरिल्ला और जैकब गए तो इसी दिशा में थे। एकदम से इस इलाके में पशु पक्षियों की आवाजें कम हो गई हैं, सन्नाटा बढ़ गया है। ओह माय गॉड, ये क्या हो सकता है? किसी ने सीमा चिन्हित की हुई है और ये हड्डियां खतरे का निशान है, जैसे चेतावनी। पर किंग ऐसे इलाके में आएगा क्यों, और आएगा तो किसके पास? ओह, मेरे ख्याल से चेतावनी सही थी। कौन फेंक सकता है इतना भारी तना? ये चेहरा तो जाना पहचाना सा लगता है, इसकी कदकाठी। ओह माय गॉड, ये तो हरक्यूलिस है। हरक्यूलिस कौन? हरक्यूलिस जुपिटर सर्कस का स्ट्रांग मैन, जो माथे की टक्कर से पूरी दीवार तोड़ देता था। मुझे ताकत के राज इन्हीं ने सिखाए हैं, शिक्षक थे ये मेरे। पर ये जुपिटर सर्कस की आग से बचे कैसे, और बचे भी तो इतने सालों से यहाँ जंगल में क्या कर रहे हैं? मैं तो सोच रही हूँ कि यह मंदिर कॉम्प्लेक्स जंगल में क्या कर रहा है, और अगर गोरिल्ला जैकब को लेकर यहीं आया है तो क्यों, क्या है यहाँ पर? यह तो अंदर जाकर ही पता चलेगा, और अंदर जाना वर्जित है। हरक्यूलिस, क्या हुआ है तुम्हें? मुझे पहचानो, मैं ध्रुव तुम्हारा शिष्य, तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। आओ, वही दम, वही जोर, वही फुर्ती, पता नहीं मैं उठ भी पाऊंगा या नहीं। ये जॉम्बी हो चुके हैं, तुम्हारी कोई बात समझ नहीं पाएंगे। बचना है तो इन पर वार करो, हटाओ इन्हें रास्ते से। कैसे वार करूं? गुरु हैं ये मेरे, और मौका भी तो मिलना चाहिए, इन्हें हराना संभव नहीं लगता। सुनो, मैं इन्हें उलझाता हूँ, तुम अंदर जाकर चेक करो। ठीक है, पर जान को बचा कर रखना, मर गए तो गुरु भक्ति किसी काम नहीं आएगी। वैसे भी मुझे जिस जगह पर पहुंचना था शायद वह यही है। जब से हंटर्स के बारे में सुना है तब से मैं इसी पल का इंतजार कर रही थी उनके ठिकाने तक पहुंचने का। और अगर वाकई ये हंटर्स का ठिकाना है या उनके कई ठिकानों में से एक है, तो यहाँ की सुरक्षा सिर्फ हरक्यूलिस के जिम्मे नहीं होगी, और मेरी कैट इंस्टिंक्ट कभी गलत नहीं होती। ये अनुभवी जंगल फाइटर्स हैं, इनसे निपटना आसान नहीं होगा, और मेरे पास इनसे निपटने के लिए वक्त भी नहीं है। अंदर और भी बड़े खतरे हो सकते हैं, इसलिए इनसे लड़ने में समय व्यर्थ करने से अच्छा यहाँ से भागना है। पर क्या ये मेरा पीछा छोड़ेंगे? अरे, ये तो रुके रहे हैं, इनके चेहरे पर एकाएक डर उभर आया है, और उसका कारण मैं तो नहीं हो सकती। ओ माय गॉड, किंग, इसने मुझे खुद ही ढूंढ लिया, और इसके एक्सप्रेशंस बता रहे हैं कि यह मेरे लिए कोई खुश होने वाली बात नहीं है। पूरे प्रांगण को हिला डाला था उस गुर्राहट ने। ओह, ये गोरिल्ला की चिंधाड़ है, यानी किंग यही है, और उसे ब्लैक कैट का आना पसंद नहीं आ रहा है, और किंग ब्लैक कैट के साथ कुछ भी कर सकता है। उफ, ये बात मुझे पहले क्यों नहीं सूझी, मुझे अंदर जाना होगा जल्दी, पर जाऊं तो जाऊं कैसे? जॉम्बी हरक्यूलिस मुझे जाने नहीं देगा, स्टारलाइन से बांधू तो भी तोड़ देगा, इसे तो बस यह खुद ही पीट सकता है। यस, खुद ही, एक प्लान आया तो है दिमाग में, बस ये तरीका कारगर सिद्ध हो। बिजली की फुर्ती से ध्रुव ने अपने स्केट्स खोले और उन्हें हरक्यूलिस के पैरों में फिट कर दिया। हो गया, अब हरक्यूलिस की शक्ति तो उसके पास थी, लेकिन उस शक्ति को बनाए रखने के लिए संतुलन नहीं था, और अब ध्रुव का रास्ता रोक पाना भी उसके वश में नहीं था। ध्रुव सही समय पर ब्लैक कैट तक पहुंचा था। घबराओ मत ब्लैक कैट, मैं निपट लूंगा इससे। संभल कर ध्रुव, इसकी पुतलियां फैली हुई है, इसके पास से दवा की महक आ रही है, इसे कोई तेज नशे का इंजेक्शन दिया गया है, ये तुम्हें नहीं पहचानेगा, और हम इसका नशा उतारने का इंतजार नहीं कर सकते, इसका नशा उतारने का कुछ और तरीका निकालना होगा। पता नहीं मेरे स्केट्स हरक्यूलिस को कब तक उलझा कर रख पाएंगे। यहाँ आदिवासियों का भी पैरा है, फिलहाल वे गोरिल्ला के डर से छुपे हुए हैं, वे भी किसी भी पल धमक सकते हैं। तब तो एक रास्ता है, वह रास्ता जो नशा उतारने का नंबर वन रास्ता है, और वह है नहलाना। ठंडा हो गया वह, शांत हो जाओ किंग, मैं तुम पर हमला नहीं कर रहा, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ ध्रुव। ये सच में शांत हो रहा है, शुक्र है।
अब यही हमें जैकब अंकल तक भी ले चलेगा। पर अब तक कोई आदिवासी नजर क्यों नहीं आया? जैकब अंकल बेहोश है, इनके पास से भी दवा की भीनी महक आ रही है। अब हमें इनके होश में आने का इंतजार करना पड़ेगा, और तब तक हम उस रहस्यमयी महिला की तलाश करते हैं जिसकी शक्ल मेरी माँ जैसी है। अगर उसने जैकब अंकल को बचाया है तो उसे भी आसपास ही होना चाहिए। वह तो आसपास नहीं है, लेकिन उसकी पहचान यहाँ पर है, यहीं पर। ये देखो, वह औरत यही पहने हुए थी। ये कैप तो माँ की है, सर्दियों में अक्सर वे यही कैप लगाती थी। और ये पट्टियाँ, इनमें से तो माँ की महक आ रही है। यह महक तो मैं कभी भूल नहीं सकता। कपड़ों में तुम्हारी माँ की महक, मतलब वो औरत जो ये लपेटे थी, वो तुम्हारी, इसका कोई मतलब नहीं है। किंग मॉरिशियस में अंकल जैकब से बिछुड़ गया था। कोई बोट उन्हें लेकर भागी थी, पीछा करते करते बोट गायब हो गई और यह दूसरी शिप में छुपकर चढ़ गया और जंगल के किनारे आ उतरा। फिर यही महक सुनकर यहाँ पहुँच गया। बक्से में और क्या है? एक दो कपड़े और हैं, ये भी लगते तो माँ के ही हैं। बक्सा आग से काला जरूर हो गया है, पर पहचाना सा लग रहा है। इसे भी साथ ले चलते हैं, पर उससे पहले मंदिर में उस रहस्यमयी महिला को तलाश करते हैं। पूरा मंदिर प्रांगण छान मारा, ना वह महिला मिली और ना ही आदिवासियों का कोई निशान। हरक्यूलस भी लापता है, सिर्फ मेरे स्केट्स हैं यहाँ पर, शायद आदिवासी उन्हें यहाँ से ले गए हैं। तुम्हें यहाँ पर रुकना चाहिए, वो औरत वापस आ सकती है। जब आदिवासी और हरक्यूलस भी गायब है तो वह वापस शायद ही आए। वैसे भी अंकल जैकब को यहाँ रखना या छोड़ना खतरनाक लग रहा है मुझे। भूलो मत कि यह दुश्मन का गढ़ है। ठीक है, पर जैकब पर हमला करने वाले अभी भी हमारे पहुँच से दूर है। ऐसे में इन्हें अस्पताल पहुँचाना तक खतरनाक है। इन्हें तुम ले कहाँ जाओगे? मैं नहीं, तुम। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे कुछ गुप्त हाइडआउट्स हैं। पर तुम्हें तो किसी पर भी भरोसा नहीं है, मुझ पर भी नहीं। तुम्हारा भी कोई मकसद है जरूर, और वह जैकब अंकल को नुकसान पहुंचाकर पूरा नहीं होगा, इतना मुझे अंदाजा है। ओके, और इनके दुश्मनों से भी मैं कैसे निपटूंगी, यह भी अंदाजा लगा के बता दो। उसकी चिंता मत करो किंग, अंकल जैकब की गंध को ढूंढता वहीं पर आ गया था जहां अंकल के दुश्मन है। मैं इसके साथ वहीं जा रहा हूं जब तक तुम। ओह, करीम की कॉलर ट्यून है, कंटेनर शिप में गया था वह। बोलो करीम, क्या रिपोर्ट है? गड़बड़ है कैप्टन, तुमने जिस वकील के बारे में बताया था वो पूरी पुलिस फोर्स के साथ शिप पर आ धमका है। वो कोर्ट का ऑर्डर दिखाकर कंटेनर को बाकी कंटेनर से अलग कर रहा है। तुम राजनगर तट से कितनी दूर हो? करीब 20 नॉटिकल माइल्स। अभी शिप की स्पीड स्लो है, आधा घंटा लगेगा कम से कम। कुछ भी हो जाए करीम, उन्हें कंटेनर खोलने मत देना। पर हम इन्हें रोकेंगे कैसे? दिमाग लगाओ अपना। एक मिनट कैप्टन, एक और आदमी आया है यहाँ पर। कैसे आया ये पता नहीं, पर वह भी वकील को एक कोर्ट ऑर्डर दिखा रहा है, कह रहा है कि कंटेनर उसका है। एक और दावेदार, अब वह कंटेनर की तरफ कूद रहा है। यह आतंकवादी है, जानबूझकर कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने आया है। तुम अपना काम करो सिपाहियों, तुम्हें स्पष्ट आदेश है, कंटेनरों के पास आने वाले को हर हालत में रोका जाना चाहिए। अरे, सिपाहियों ने तो इस दावेदार पर गोलियां चला दी, पर उसकी फुर्ती लाजवाब है। ऐसा लगता है जैसे जैसे वो गोलियों को मोशन में देख रहा हो। वो गोलियों को बड़े आराम से अपने आर्मगार्ड से प्रवर्तित कर रहा है। पर गोलियों की तादाद ज्यादा है कैप्टन, उसे दो गोलियां पसलियों में लगी है, वह नीचे गिर रहा है। पर इसके घाव तो भर रहे हैं, गोलियां अपने आप बाहर गिर रही है। अब वह, ओ गॉड, इतनी तेजी, इतनी फुर्ती, पूरी बात बताओ करीम, जल्दी। उसने 20 फुट की दूरी एक सेकंड में तय कर ली। अब वह पुलिस वालों पर हमला कर रहा है। कमाल का फाइटर है कैप्टन, जुजुत्सु के ऐसे दांव तो मैंने कभी नहीं देखे। पुलिस वालों की कई कई हड्डियां टूट चुकी हैं, वकील की खोपड़ी खुल गई है, और दूर से एक हेलीकॉप्टर इधर आ रहा है, प्राइवेट है, जरूर इसी का होगा। हम क्या करें कैप्टन, उसे रोक कर रखो, कैसे भी उसे कंटेनर हासिल मत करने देना, किसी भी कीमत पर। मैं आ रहा हूँ, प्लान में चेंज है ब्लैक कैट, मैं शिप पर जा रहा हूँ। अब किंग भी तुम्हारे साथ जाएगा, कोई बड़ा हाइड आउट ढूंढ लो, ये तो पहले से ही अपने नेचुरल घर में है। खैर, तुम शिप पर इतनी जल्दी पहुँचोगे कैसे? तुम्हारे पास मोटर बोट तो क्या, लकड़ी की नाव तक नहीं है। अन्ना की सिखाई खास सिटी मुझे अभी तक याद है, मुझे लोहे या लकड़ी की शिप की जरूरत नहीं है। बस उम्मीद करता हूँ कि मैंने कमांडो फोर्स को जो ट्रेनिंग दी है वो पर्याप्त हो। रुक जाओ, इस कंटेनर को हाथ लगाने की कोशिश मत करना। ओह, कमांडो फोर्स, तुम्हें ही ढूंढ रहा था, धन्यवाद करने के लिए। अरे, यानी हम तुम्हें नहीं जानते पर तुम हमें जानते हो, लेकिन धन्यवाद किस लिए? वक्र को यहाँ तक पहुँचाने के लिए, यानी मुझे। बस तुम पर नजर रखी और तुम मुझे यहाँ तक ले आए, अच्छा किया, वरना इंटरोगेशन करने के लिए ध्रुव तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढता। ध्रुव वह भी आएगा तो जरूर, लेकिन उसका इंतजाम तो पहले ही हो चुका है, और तुम्हारा भी। तुम भूल गए कि ऐसी शिप के लिए मर्चेंट नेवी गार्ड भी होते हैं, और इनके पास हार्पून गन है, गोलियां नहीं जो तुम पर असर न करे। कंटेनर से दूर हट जाओ, कंटेनर सुपर कमांडो ध्रुव के नाम का है और कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार अभी यह कोर्ट की कस्टडी में है। यह किसे दिया जाएगा इसका फैसला शिप के राजनगर पोर्ट पहुंचने के बाद ही होगा। ओह, पापा की कॉल, मम्मी की तबीयत तो ठीक है ना? हाँ पापा, कमिश्नर सर,
तुम्हारा डीएनए मैचिंग की अनऑफिशियल रिपोर्ट आ गई है। रजनी को जिस औरत की वजह से अस्पताल में आना पड़ा है वह तुम्हारी माँ राधा है। डीएनए परफेक्ट मैच है। अपनी जिंदगी की लड़ाई के लिए जा रहे ध्रुव को हर खबर और कमजोर बनाती जा रही है। कहाँ है राधा, कौन है वक्र और वह क्या राज है जो जैकब के सीने में दफन है? क्या है ध्रुव के जीवन की सच्चाई? बताएंगी उसकी यादें जो जिंदगी और मौत के बीच में उस क्षेत्र में बस रही हैं जिसे कहते हैं नो मैंस लैंड। तो दोस्तों, बाल चरित्र के दूसरे अंक फ्लैशबैक की कहानी इस पार्ट के साथ यहीं पर खत्म होती है और अब इस कहानी को इसके आगे बढ़ाया जाएगा इसके तीसरे अंक नो मैन लैंड से। तो जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो फटाफट से तुरंत अभी नीचे जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि बाल चरित्र के सभी अंक आप लगातार बिना मिस करते हुए हमारे चैनल पर एंजॉय कर पाए। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल भी ऑल पर कर लेना ताकि जैसे ही हमारे चैनल पर कोई भी नई वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत अपडेट मिल जाए। तो मैं मिलूंगा आपसे नो मैंस लैंड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्रेजी फॉर कॉमिक्स।